Hello guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, so here we learn about Nati Punjabi, and today we are going to learn immigration vocabulary. And if you have already subscribed to my channel, thank you so much for your support. It really means a lot. And let's start. So immigration is आवास. सो इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज इज आवास अते वीज़ा सेवावां. नेक्स्ट कम्स इमिग्रेशन ऑफिसर, इट इज आवास अधिकारी. सो अगे अगे जाके मैं शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखनी शुरू कर दूंगी. एंड ऑल्सो गाइज, तुसी भी अपनी शॉर्ट फॉर्म लिखन की प्रैक्टिस नाल दी नाल करा करो. लाइक तुसी शॉर्ट हैंड बनाने की कोशिश करा करो ताकि तुहानू प्रैक्टिस मतलब आदत ही पै जाए. सो नैक्सट इज माइग्रेशन एजेंट, इट्स प्रवास प्रतिनिधि या फिर एजेंट भी कह सकते हैं. माइग्रेशन इज प्रवास. डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन आवास विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इज घरेलू मामलों का विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ इमीग्रेशन एंड सिटीजनशिप इज आवास और नागरिकता का विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ इमीग्रेशन एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन इज आवास और सीमा सुरक्षा विभाग. नैक्सट इज वीजा रिजैक्शन या फिर रिफ्यूजल. एदा आएगा वीजे की नामंजूरी. कुछ भी आ जाए, रिजेक्शन आ जाए या रिफ्यूजल आ जाए, इट्स नामंजूरी. अनदर इज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, एदा है अधूरी अर्जी. अपील, ओदा अपील ही रहेगा, एदा कोई पंजाबी वर्ड नहीं है. ते और मैं तुहानू एक होर गल कहनी सी, जे तुहानू प्लीज़ कोई इशूज आते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट. तुसी मैनू कमेंट कर सकते हो. I will definitely try to reply to your videos. And एक यूजर ने मैंने पूछा सीगा वी कि जो तुसी इन्फॉर्मेशन दे, इज इट एनफ टू पास द टेस्ट. येस, इट इज़ एनफ टू पास द टेस्ट. यू डोंट नीड टू गेट एनी कोचिंग, बिकॉज इन द कोचिंग उन्होंने भी सेम ही करना थानू. जस्ट देनी है वोकैबलरी देनी है, तो उस तो बाद थानू याद करन नू कहनगे. तो फिर तुहानू उस तो बाद डायलॉग्स डायलॉग्स की प्रैक्टिस करन नू कहनगे. डायलॉग्स की प्रैक्टिस फिर जो मैं मतलब मैं भी टीच करती हाँ, जो टीच करती सी उदो सिर्फ एक या दो डायलॉग्स ही क्लास के हो पाते हैं एक क्लास के. आई वुड से डोंट वेस्ट योर मनी, अपने आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा बैटर है. ओके, लेट्स स्टार्ट. माइग्रेशन रिव्यू ट्रिब्यूनल, इनू MRT भी कहते हैं. ये है प्रवास सर्वेक्षण या फिर समस्या अदालत. नेक्स्ट इज रिफ्यूजी रिव्यू ट्रिब्यूनल RRT. शरणार्थी सर्वेक्षण या समीक्षा अदालत. एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स ट्रिब्यूनल इज प्रशासनिक या फिर प्रतिनिधि अपील अदालत. प्रबंधक. फेडरल कोर्ट इज संघी अदालत. वीजा कैंसलेशन इज वीजा रद्द हो जाना. ब्रीच वायलेट वीजा कंडीशन, एदा है वीजे दिया शर्तां दी उलंघना. वर्किंग इलीगली, गैर कानूनी तौर पर काम करना. वर्किंग ऑन अ टूरिस्ट वीजा इज सैलानी वीजे पर काम करना. क्रिमिनल एक्टिविटीज, जुर्म वाली गतिविधियां. स्पॉन्सरशिप, सरप्रस्ती. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन वीजा, सुरक्षा वीजा. पार्टनर वीजा, साथी वीजा. स्पाउस वीजा, पति पत्नी वीजा. अनदर इज मैरिज वीजा, विवाह वाला वीजा. प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीजा इज संभावित विवाह वाला वीजा. प्रोस्पेक्टिव इज संभावित. मेन एप्लीकेंट मुख अर्जीकर्ता. रिफ्यूजी शरणार्थी.
असाइलम सीकर इज शरणदीप पाल करण वाले या फिर पनाहगीर भी कह सकते हो उन्होंने। सोशल वेलफेयर समाज भलाई, अथॉरिटीज अधिकारी, प्रोफेशनल्स पेशेवर। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ वीजा, वीजा वधाना। ब्रीफ संकल्प, डिटेल विस्तार। स्टेट इज राज, अवार्ड पुरस्कार। नेक्स्ट कम्स रेजिडेंशियल, इट इज रिहायशी। स्टेटस दर्जा। बैगेज अलाउंस इज सामान लेके जाने की इजाजत। बिजनेस माइग्रेशन व्यापार प्रवास या फिर कारोबारी प्रवास, माइग्रेशन इज प्रवास जिदा तुहानू मैं पहला उपर दसा। सैरेमनी इज रसम। करैक्टर चैक इज चरित्र की जाँच। सिटीजनशिप नागरिकता, ये भी तुहानू मैं पहला दसा जदों ड्यूअल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता। एम्बेसी दूतावास, इट्स दूतावास। फैमिली रीयूनियन परिवार दया दोबारा इकट्ठे होना। इलीगल माइग्रेंट इज गैर कानूनी प्रवासी। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी संसाधन केंद्र। नॉमिनेशन इज नियुक्ति। ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज इज पेशेवर श्रेणियां। स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट इज हुनरमंद सूची। अनदर कम्स ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की पेशकश। वायलेशन उल्लंघना। कौंसुलेट राजदूतावास। एक्सटेंशन ऑफ वीजा दौरे नू वधाउणा। फैमिली कंपोजिशन परिवार का एकजुट होना। पॉइंट सिस्टम अंक प्रणाली। वॉलंटरी डिपार्चर अपने आप चले जाना। स्पॉन्सरशिप स्कीम सरप्रस्ती योजना। स्किल्ड माइग्रेशन हुनरमंद प्रवास। रेजिडेंट रिटर्न वीजा निवासी वापसी वीजा। डिपोर्टेशन कॉस्ट देश निकाले दे खर्चे। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट दो तरफा समझौता। प्राइवेट स्टूडेंट निजी विद्यार्थी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरुआती जानकारी देने वाला प्रोग्राम। डिटेंशन सेंटर नज़रबंद केंद्र या फिर कारावास। ऑफशोर उस देश विच ना रह के कीती गई। कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट COE दाखले दी पुष्टि। मल्टीकल्चरल बहु सभ्याचारक। प्रीलिमिनरी शुरुआती, पहला भी आया से अपने को। नेक्स्ट इज एंड्योर्ड चलना। सस्पिशियस शक्की। इन दैट केस इस सूरत विच, इट्स इन दैट केसेस इस सूरत विच। ओके दैट्स इट फॉर इमिग्रेशन। अगर कुछ और ऐड ऑन करने हैं होगा तो मैं तुम्हें दोबारा दस दूंगी। बट प्लीज जो प्रैक्टिस तो तुसी बार बार सुनो या फिर कितने लिख लो ताकि तुसी उन्हें बार बार रीड कर सको। अगर तुम्हें लगता भी तुम्हें रीड करके तुहाडे दिमाग से जल्दी पैंदा तो तुसी रीड कर लो, अदरवाइज वीडियो प्ले करके तुसी उन्हें सुनते रहो वर्ड्स नो ताकि तुहाडी सबकॉन्शियस मैमरी दे विच चले जाए। ते ऑलसो जो तुसी कुछ भी लाइन इंग्लिश सुनते हो नो अपने मन च, मतलब रेगुलर लाइफ दे विच अपने मन च पंजाबी च ट्रांसलेट करो। और अगर कुछ पंजाबी च तुहाडी कन्वर्सेशन हुंदी है उन्हें इंग्लिश च सोचने की कोशिश करो ताकि तुहाडा दिमाग उस तरह नाल चलना शुरू हो जाए। और आई वुड सजेस्ट नाटे दी डेट्स बुक करके
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਾਇਲੋਗ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ट्रांसलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हुंदा, बाकी ऊपर नीचे ऑलवेज ईजी हुंदे है। डू प्रैक्टिस डायलॉग्स एंड योर शॉर्ट हैंड, जिन्नी ज्यादा तुसी छोटी वर्ड्स शॉर्टकट्स बना के उन्हें पढ़ना सीख लोगे उन्नी ज्यादा तुहानू ईजी होएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। मैं बार बार ये कहनी हाँ बिकॉज ताकि सारिया तक पहुँच सके वीडियो, जेडे लोगों को रियली हैल्प मिलेगी। तो मैं अपने वालों पूरी ट्राई कर रही हूँ भी मैं तुहानू एज बेस्ट ऑफ लाइक बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉन्टेंट दे सकाँ। तो ईवन दो तुहानू कोई होर सपोर्ट चाहिए है तो डू लैट मी नो, पर हुण मैनू तुहाडी सपोर्ट की जरूरत है, इस करके प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो। तुम जिन्होंने लगता तो तुम शेयर करके फायदा होगा। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप यू लर्न समथिंग टुडे एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।